तो भाई लोग, ये मैच इतना खतरनाक होने वाला है ना, मतलब भाई कितने किल करता हूँ गिनते गिनते पागल हो जाओगे आप। तो भाई एंड तक देखना, क्योंकि ये है भाई थ्री वॉचर सोलो बोनस चैलेंज मैच। और भाई हवा में देख लिया हो कि भाई एक और बंदा आ रहा है शेल्टर में, बट भाई बाद में एक और बंदा आता है बट उसको पता नहीं है। तभी मैं यहाँ पे आता हूँ, उस बंदे को फुट तो आ गया है बट फिर भी वो बंदा यहाँ से आता है। भाई नाम देख के तो लग रहा है कि भाई इसे कुछ पता नहीं था फुट वुट का, और इजी किल मिलता है पहला वाला। आगे जो भी किल मिलेगा ना भाई कतई जहर। तो इधर जो भाई पहला बंदा जो दिखा था भाई पैरासूट से, उसी को देख रहा था बट वो दिखता ही नहीं, तो मैं गार्ड उठा के निकल पड़ता हूँ। और यहाँ पे देखो मैं जब अपना टंकी भर रहा हूँ तो किल फीड देखो यहाँ पे, भाई हैकर होता है बैन। तो जब रूम हो चुका है खाली हैकरों से खाली, तो पर इधर से रोटेशन दे रहा था मैं जोन में, क्योंकि ये मेरा एक स्पॉट है, यहाँ पे रुकता हूँ मैं जब जोन रहता है। तो दिखता है कि भाई यहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी लगा हुआ है और बंदा भी है यहाँ पे। तो वही मेरे को देखने के लिए बिल्कुल मेरे पीछे आता है, तो मैं शेक के पीछे थोड़ा कवर लेता हूँ, थोड़ा सा दूर हो तो मैं भाई एक हेडशॉट दे देता हूँ मैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई पुश करके लपेट लिया जाए इसको। भाई दो शॉटगन की बूम बूम में बंदा ढेर, और ये तक आया दूसरा किल जो कि भाई कतई खतरनाक था, बिल्कुल मस्त पुश करके मारा है इसको। और यह कुछ अगला जोन, तो जोन में चलते हैं अपन। तो यहाँ पे भाई सामने से एक बंदा रोटेशन दे रहा था बाइक पे, तो मैं सोचा एक बार किल मिल जाए, बट भाई निकल जाता है वो बंदा, लेकिन सामने जाके जो भी घर पे जाके ठोकता है वो ऐसे उधर उसकी फाइट होती है और मर जाता है। भाई यहाँ पे देखना है, ये स्पॉट लेता हूँ मैं मस्त बिल्कुल हिल के ऊपर। अब देखो यहाँ पे कितने किल कर रहा है, तो मस्त एक हेडशॉट मारा इस बंदे को मैंने। और थोड़ा सा स्प्रे इधर उधर हो गया था। और देखो यहाँ पे होता क्या है, वो तो अच्छा भाई कि भाई मूवमेंट दे रहा था, नहीं तो भाई हेडशॉट मारता। अब मैं सोच रहा कि भाई अगर दूसरा गोली लग गया ना सीधा लॉबी के बाहर, बट वो बंदा भाई चलाता ही नहीं है, शायद उसको अपने शॉट पे ही बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि खतरनाक जिगल दे रहा था मैं। तो उस बंदे पर नेट ट्राई करता हूँ मैं, तो एक नेड फेंकता हूँ मैं और दूसरा नेड फेंकता हूँ, तो भाई बगी का बिल्कुल राइट में वो रोटेशन दे रहा है। और भाई देखो वो बंदा नहीं मरता, बगी वाला नहीं, जिसके ऊपर नेड फेंका तो वो बंदा मरता है, बगी वाला सामने रुका हुआ है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, जो बग्गी वाला बंदा है ना भाई उसको पीछे से पड़ती है, उसको थर्ड पार्टी करता है। ये देखो दूर से कोई थॉम्सन चला रहा है, और ये बंदा भाई दो बंदों के बीच में फंसा होता है, तो बग्गी लेके निकलता है, तो इसको भी लपेट लिया। और जो पीछे था भाई जोन का डैमेज खा के आ ही रहा था एक हेडशॉट में, उसको भी लपेट लिया। तो भाई 5 किल हो चुके हैं यहाँ पे। और जोन देखो अभी भी भाई ऑलमोस्ट 30 बंदे बाकी है, बोले तो आधा लॉबी अभी बाकी है। तो इस कंपाउंड भाई फाइट हो रहा है, मेरे को दिखा एक बंदा, भाई चला देता हूँ किल फिर। देखो भाई दो दो किल मिलते हैं, मतलब दोनों को लपेट लिया, बंदे एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे और मैंने पीछे से धप्पा बोल दिया। तो 2 किल यहाँ पे भी, टोटल 7 किल हो चुके हैं। तो भाई मेरे को चाहिए थोड़ा सी लूट, क्योंकि अभी देखो M4 में बिल्कुल भी एमो नहीं था, इतने बंदे जो पेल दिए हैं। तो इसको जोन में मतलब कटने से पहले इसको लूट लेता हूँ मैं, मस्त अच्छा खासा एमो आ चुका है। और भाई फ्लेयर गन, बट भाई एंड में भूल ही जाता हूँ मैं चलाना, क्योंकि भाई मेरी आदत नहीं है ना। और भाई दिमाग से निकल ही जाता है। और भाई एक और किल जोड़ लो यहाँ पे, भाई 25 बंदे अलाइव है और 3 वॉचर वाले मैच में 8 किल हो चुके हैं अपने आप पे यहाँ पे।
तभी भाई पीछे से आवाज़ आता है कि भाई यहाँ पे आके बग्गी रुका हुआ है, वो दिखता तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा रुकता हूँ। तो एक और दासी आता है यहाँ पे, देखो तो दासी के ऊपर होता है फायर। भाई दो हेडशॉट मार दिए मैंने भाई, गाड़ी फोड़ता हूँ लेकिन बंदे को हेडशॉट से बाहर करता हूँ मैं। और यहाँ पे भाई ये इसके पीछे एक बग्गी वाला, तो ने ट्राई करता हूँ मैं, बट भाई जाता नहीं है वहाँ तक। भाई दो दो जो है स्मोक रखा है बिल्कुल भी पीछे यहाँ पे, और सामने ये बग्गी वाला भी स्मोक करके रखा है अपने ऊपर। बट जो भाई वो टाइमिंग है बिल्कुल भी टाइमिंग है, जोन स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। और भाई जो पीछे वाला स्मोक है उसमें वो बंदा भी दिख जाता है ओपन में, बट मैं जोन को प्रायोरिटी देता हूँ और मैं जोन में चले जाता हूँ यहाँ पे। अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, तो इससे पहले मैं एक आधो मौली कर लेता हूँ। यहाँ पे दिख जाता है बंदा, बट वो दोबारा स्मोक कर लेता है अपने ऊपर। और जोन चालू हो चुका है, तो भाई बग्गी पकड़ के मैं सामने जोन है यहाँ पे, जोन ले लेता हूँ यहाँ पे। और भाई एंड में मतलब मेरी आदत ये है कि भाई स्मोक नेड जो भी है भाई वेस्ट कर दे रहता हूँ। जैसे यहाँ पे भाई मेरे को मैक्सिमम एक ही स्मोक करना था, पर दो स्मोक करके वो भी वेस्ट करता हूँ। और भाई मतलब स्मोक बिल्कुल फटा भी नहीं है कि भाई यहाँ से निकल पड़ा, मतलब स्मोक का यूज़ हुआ ही क्या यहाँ पे पता नहीं। तो भाई मेरे को मतलब एंड में भाई ये मेरे को आदत डालनी पड़ेगी कि नेड एंड स्मोक मॉली जो भी थ्रोवेल्स है यूज़ करना बिल्कुल एंड में अच्छी तरह से, क्योंकि इसी मैच में मेरे को और पता चलेगा भाई उसका कितना यूज़ होता है। ये देखो यहाँ पे भी एक स्मोक हो रखा हुआ है, और इस शैक के अंदर ऑलरेडी बंदा है यहाँ पे। तो ये बंदा दिख जाता है भाई, बट उस पेड़ वाले बंदे ने उस जो ओपन में था बंदा उसको मार देता है। तो यहाँ पे मैं स्मोक कर रहता हूँ क्योंकि भाई इसके लिए मैं ओपन हूँ। तो स्मोक के पीछे से एंकल देखता हूँ कि मिल जाए, बट नहीं मिलता मेरे को। बट ये बंदा करता क्या है देखो भाई, जोन के बाहर बिल्कुल एंकल भाई बाहर लेके गाड़ी लेने गया है। तो भाई होता है बंदा बहुत रो एक हेडशॉट में उसको भी लपेट ली पा। भाई 10 किल हो चुके हैं और यहाँ पे अगला जोन में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक स्मोक फेंक लेता हूँ यहाँ पे, और देखता हूँ पहले पीछे खाली है कि नहीं। तो दिखता है कि भाई यहाँ पे एक बंदा आ रहा है। तो मैं हल्का हल्का डैमेज देता हूँ, फिर डॉच करता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे देखो मैं प्रोन ही नहीं हो पा रहा था। और बाल बाल बचाओ यहाँ पे मैं, क्योंकि भाई इतने हाइपिंग में जो दिखता है कि आपको भाई बहुत ही इजी किल है बेटा, तो उसी में ज़्यादातर मरते हो, मैंने यही नोटिस किया है इसमें, इतने हाइपिंग में जब खेलो आप। तो जो भाई शैक में जो बंदा दिखाया था वो ही इसके ऊपर, और आखिरकार मैं ही किल लेता हूँ। बट जो अगला जोन है भाई सामने कंपाउंड पे है। अब देखो यहाँ पे भाई मेरे पे ना स्मोक है ज़्यादा और ना ही नेड है, और यहाँ पे ना मॉली है। वहाँ पे मैंने दो तीन मॉली वहाँ पे वेस्ट कर दिए, दो तीन स्मोक तो वहाँ पे, प्लस नेड भी मैंने वेस्ट किए थे वहाँ पे। जबकि अगर मेरे पे यहाँ पे मस्त दो चार स्मोक होता तो अच्छी तरह से मैं फैलाता फिर पुश करता, और मैं मतलब स्क्वाड ऑफ से पुश नहीं करता, इस सामने सीमेंट्री है उसके अंदर पुश करता मैं। तो यहाँ पे स्क्वाड ऑफ में करता हूँ क्योंकि भाई मेरे को लगता है कि यहाँ पे कम बंदे होंगे, बट बंदे होंगे। और ये देखो पता नहीं भैंस की मेरा साथ फेरा लेकर के घूम के भैंस की कहाँ से लपेट लेता है मेरे को। अब जब मेरे को यहाँ पे प्री फायर करना था थोड़ा सा लेट हो जाता, बट इस नूबड़े को मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो भाई 5-6 नेड कर देता है, एक बंदा नहीं मरता इससे, तो क्या ही देखना है भाई।
मेरा 11 किल और इसका आधा पौना किल, पता नहीं क्या ही कंपेयर करूँ मैं। तो इसको करते इग्नोर करता हूँ मैं एग्जिट, भाई फिफ्थ आता हूँ 11 किल के साथ। और भाई मतलब अगर चिकन निकलता ना इस मैच में 2000 पॉइंट इकट्ठे, मतलब हाईएस्ट जाता भाई। तो कैसा लगा भाई गेम प्ले मुझे कमेंट में बताओ, और भाई कितने पॉइंट मिले मेरे को ये भी देख ही लिया होगा कितने मिला, वो भी मेरे को कमेंट में करके बता देना। एंड कैसा लगा मैच बता दो मेरे को ये भी कमेंट में, और भाई लाइक कर दो, प्लस चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना।